नमस्कार न्यूज एट फोर पीएम को आपण मानक स्वागत करुछि मु बंदिता संपूर्ण खबर को आसीबा दिल्ली निर्भया गणदुष्कर्म और हत्या मामला दोषी पवन गुप्तार आवेदन दिल्ली हाईकोर्ट रे खारज हो जाइछि। गतकाली हाईकोर्ट रे आवेदन करथिला पवन घटना घटिबा बेले निजे नाबालक थिला आवेदन रे उल्लेख करथिला। तबे पवन रो वकील एपी सिंह को उपरे 25,000 टंका जरिमाना लगाइछंती हाईकोर्ट। पूर्वर अधिक दस्तावेज दाखल पाई समय मागिथिले पवन रो वकील किंतु पीड़िता वकील विरोध करिबारु निष्पत्ति बदलाइछंती हाईकोर्ट। पवन फांसी दंडादेश को कायम रखिथिले सुप्रीम कोर्ट। निज आवेदन ने पवन अभियोग करथिला 2012 तार बयस जानिबा पई तदंतकारी अधिकारी मेडिकल परीक्षा करिनथिले तेणु ताको संदेहर लाभ मिलिबा दरकार बोली निज आवेदन ने दर्शाइछि पवन। बीजेडी प्रतिष्ठा दिवस नहीं सांबादिक सम्मेलन आयोजन करा सीधा प्रसारण आम आपको देखा कार्यक्रम को रूपायित करिवारे साधारण नागरिक ग्रामवासी सहरवासी बस्तीवासी पहुंच करवा विभिन्न क्षेत्र में अनुसूचित जाति हो कि जनजाति क्षेत्र में अधिकार देवाई जमी प्रदान आरंभ कर भारत वर्ष प्रथम हवाठू हो ये विभिन्न कार्यक्रम आज नि जो जनसाधारण आस्था विजु जनता दल प्रति एवं ये दल नेतृत्व प्रति जो आस्था अच्छी प्रकटित एवं पंचम इनिंग श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक नेतृत्व में जनसाधारण निम्ते काम को आगे नवापी सुक्त नवीन पट्टनायक नेतृत्व में एक सरकार भी जनगण सरकार विजु जनता दल रो जरा जनसाधारण प्रकृत ग्रामवासी दल साधारण लोक दल सहरवासी बस्ती बासिंदा दल सब वर्ग एमिल अच्छा पालन विभिन्न कार्यक्रम एवं सम्मेलन आमर निर्वाचन मंडल स्तर में ग्रहण करुक्त नवीन पट्टनायक द्वारा निर्देशित सर्कुलर जारी करा एवं या संगे आम महानदी आलावरम एमर जो न्यायिक लड़े से भी चालू रही तेणु ये प्रतिष्ठा दिवस एवं जनसाधारण कार्यक्रम आपण मान प्रचारित एवं प्रसारित करने अनुरोध नूतन भाव में जो कार्यक्रम गुड़िकम टेक्नोलॉजी के प्रयोग कर जनसाधारण को जो कार्यक्रम गुड़िक कहली पहुंच सिटीजन सेंट्रिक जो कि सुविधा सुजोग उपलब्ध हो पार से 5G टू नहीं ओडिशा मोर मो सरकार नहीं ओडिशा मो परिवार जो सेवामूलक कार्यक्रम क्या सेवा को सब दल गुरुत्व आम सभापति गुरुत्व एवं निकटे से जो घोषणा करते कार्यकारिता करने ओडिशा बाहर जो मैंने प्रवास ओडिया माने असुविधा पड़ुछंती एवं तांको कि भली दुर्घटना जनित हो विभिन्न क्षेत्र में स्वास्थ्य जनित हो सेवा पहुंच पारिबो सेति पई तांको घोषणा अनुसार मध्य कार्यक्रम न्याय जाउछि एवं चलित वर्ष मध्य ताकु आगु न्याय जीवो एवं जीवन बिंदु होछि हमर सामाजिक प्रतिबद्धता रे कार्यक्रम विजु जनता दल होछि एकमात्र राजनीतिक दल जे कि सामाजिक प्रतिबद्धता को केवल कहू नै ताकु जीवन बिंदु तार प्रमाण जो थे कि रक्तदान जोटा कि अमूल्य दान जीवन पर जहाँ मूल्यवान ताको नि चलित बर्ष मध्य प्रतिष्ठा दिवस पालन करने सहित वर्ष व्यापी जारी रखा सभापति निर्देश दी नुआ जमी ओडिशा मो सरकार मो परिवार ओडिशा मो परिवार
ମୋ ସରକାର 5T ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦଳ ତରଫରୁ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆୱାରନେସ୍ ସଚେତନତା ଏବଂ ଅଂଶୀଦାରିତାକୁ କରାଯିବ ଏବଂ ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଭଳି ଯେଉଁ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କରାଯିବ। ସେଦିନ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ସେଦିନ ଜାଣିବେ। ମୁଁ ଦଉଛି ସୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଦିନ ଦଳ ସଭାପତି ଯାହା କହିବେ ସେଠୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ କିଏ କ'ଣ ପଚାରିବେ? ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇସାରିଛି, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଲେ ସେଟା ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଇସୁ ଖୋଜିବା ଲୋକ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇସୁ ନାହିଁ, ଆମର କ'ଣ କହିବାର? ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖୁଥିଲେ ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ। ବିଜେଡିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। କିପରି ବିଜେଡିକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବ, ବିଜେଡି ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସବୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ହେବ, ସେ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା, ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ। କେନ୍ଦୁଝର ଚମ୍ପୁଆରେ 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁନୀଲ ନାୟକକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଏଡିଜେ କୋର୍ଟ। ପୋକ୍ସୋ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଏହି ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। 28 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ଆଧାରରେ ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଏଡିଜେ କୋର୍ଟ। ଚମ୍ପୁଆରେ 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଦଫାରେ ତାକୁ 7 ବର୍ଷ 5,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ, ଅନାଦେୟ 6 ମାସ, 376(2A), 376(2I) ଏବଂ 6 ପୋକ୍ସୋ, ଏଥିରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପନିସମେଣ୍ଟ ହେଲା ଲାଇଫ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 10,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଅନାଦେୟ ବର୍ଷେ ଅଧିକ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ 302 IPC ଦଫାରେ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା। ଦୋଷ କରି ନାହିଁ, ମୋତେ ଦୋଷ କରି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଉପରେ କରିବି ଓକିଲ ଆଜ୍ଞା, ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା, ନା ବାଳିକା ବଳାତ୍କାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କରିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଟିମ୍। ସେପଟେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବାରବାଟି, ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟର ଆଗରେ ଲାଗିଛି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭିଡ଼। ଦେଖିବା ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ଖେଳାଳି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ଯୋଗେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମେଫେୟାର ହୋଟେଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ହୋଟେଲ ମେଫେୟାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନିଆଯାଇଛି। ବଲିଉଡ୍ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାଗତର ଏକ ନିଆରା ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ହୋଟେଲର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ନୃତ୍ୟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଏଭଳି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ନାଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ଟିମ୍ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି। ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଟେଲରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଖେଳାଳିମାନେ ନେଟ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ବାରବାଟି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଯିବେ। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ହେବ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଟକ୍କର। ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍। ତିନିଟିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ଉଭୟ ଟିମ୍ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିସାରିଥିବା ବେଳେ ସିରିଜ୍ ବରାବର ଅଛି। 22 ତାରିଖରେ ବାରବାଟିରେ ହେବ ଫାଇନାଲ୍ ବ୍ୟାଟଲ୍। ନାଁ
ना इनके पास हमारे पास डाइटरी हैबिट्स के हिसाब से हमारे पास इनका पहले ही राइटिंग में आता है कि इनको क्या क्या खाना चाहिए और कौन सा किसका लाइकिंग क्या है, उस बेस पर हम इनका मील प्लान करते हैं, उनका मेन्यू प्लान हो जाते हैं। और जब किसी प्लेयर का कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से उसको प्रेफरेंस में रखा जाता है, उस प्लेयर के लिए उसको उसके लिए बनाया जाता है और उसमें मील प्लान में ही आता है वो चीज़। एयरपोर्ट आम सुरक्षा व्यवस्था कराई ता छड़ा जो टीम एवं अफिसर्स ट्रांजिट आरेंजमेंट कराई से रूट प्लानिंग दि जाए बस बक्स पैटर्न सिक्यूरीटी आरेंजमेंट कराई छड़ा प्लेस अफ स्टे आरेंजमेंट कर राउंड द क्लॉक सिक्यूरीटी आरेंजमेंट से रोज से जो बारवाटी प्राक्टिस जी छड़ा जो मैच जी से रूट प्लानिंग आम कार्पेट अरेंजमेंट करमर जो सिक्युरीटी अफिसर अच्छा बीसीसीआई किंबा वेस्ट इंडीज टीम रो मैनेजमेंट सहित आम लाइजन अच्छु से कौन टीम मेम्बर्स किंबा टीम जदि बाहर को जवाक चाहती तो इंप्लीमेंट कल आवश्यक सुरक्षा बारवाटी टिकट पर दर्शकों असंभव भिड़ भारत वेस्टइंडिज मैच पर टिकट काउंटर रे क्रिकेट प्रेमी लंबा लाइन काउंटर रे मोट 10,050 टिकट बिक्री करा बेले टिकट सरी आसला टिकट पर राति अनिद्रा लाइन में अच्छा दर्शक सका 9 टिकट बिक्री आरंभ हो मात्र अधराती लोके लाइन लगे स्टाडियम परिसर में 12 काउंटर रे टिकट बिक्री करा निज परिचय पत्र कि मोबाइल नंबर दे जड़े व्यक्ति अति बेसी रे 2 टिकट किणवाई व्यवस्था कर टिकट बिक्री कार्य को श्रृंखलित करने ब्यारिकेड व्यवस्था कर एथसह 13 प्लाटून फोर्स मुतयन होती दीर्घ 2.5 वर्ष पर बारवाटी मैच को नहीं क्रिकेट प्रेमी मध्य ढेर उत्साह अच्छी तीन टिकिया सीरीज रे एक एक रे मैच बराबर होता बेले बारवाटी नेबर निर्णायक भूमिका एही मैच जितिबापाई उभय टीम आप्राण उद्यम करिबे तेबे विराट को बैट रु आउ एक सेंचुरी सह एक हाई स्कोरिंग मैच अपेक्षा रे एबे दर्शक आसंता 22 रे हेबाकु थिबा मैच पई स्टेडियम पूरा प्रस्तुत रहिछि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मतलब रात से खड़ी हूँ और पहले टिकट मिलना मतलब तो मुझे तो एकदम बहुत ही खुश हूँ। और बात ये कि कितने देर तक मैं खड़ी थी वो बात जरूरी नहीं है, लेकिन मुझे टिकट जो मिलना है ना अभी उसके लिए मैं बहुत ज्यादा पहले मिला तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। विराट कोहली का खेल देखा को आसीचो कारण से दीटा मैच पर्यटन किसी देखे ना से निश्चय शतक हासिल करेंगे धोनी मैच खेलु ना धोनी को टिके अब्सेंस फील करेंगे ये निश्चिंत अब्सेंस फील करूँ जे कि आम धोनी की बहुत चाहूल आज से खेल पारना जहाँ को आम कोहली टू किसी चाहूँ किसी आशा करूँ आज कल मैच जो हम 22 तारीख किसी खेल से देखा बोली बहुत अच्छी सर बट टिकट मिलियो कि न मिलियो से बहुत दुख लगे ये दूर आसिक सकाल टू मैंने ये ठेला बेला करके अधा मारि सारे आ पुलिस लाठी दु थर खाई सारे ये जदि टिकट न मिले ये सुइसाइड करेंगे आज ग्यारंटी ये परवर्ती खबर को आसिबा उत्तर प्रदेश रो विभिन्न स्थान रे नागरिक संशोधन आईन को विरोध करा जाउछि राज्य रो विभिन्न स्थान रे जोरदार विक्षोभ करछंती विक्षोभकारी संभल रे बस रे निया लगाई दैछंती उत्तक्त लोके सेपर स्थानीय पुलिस फंडिंग को पत्थर माड़ करबा सह पुलिस भ्यान भंगारुजा करा जाइछि मऊ आउ कुशीनगर रे भी पुलिस उपर को पत्थर माड़ करिछंती विक्षोभकारी सेपर लखनऊ रो खदरा अंचल रे पुलिस उपर को पत्थर माड़ करा जाइछि परिस्थिति को नियंत्रण को आनिबा को पुलिस आंदोलनकारी को उपर लाठी चार्ज करिछि विक्षोभ को नजर रखी पुलिस पक्षर सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जाय छी सीएए एनआरसी विरोध में आज दिल्ली विभिन्न स्थान में विक्षोभ प्रदर्शन करदृष्टि रखी दिल्ली विभिन्न स्थान में 144 धारा जारी कर विशेषकर लालकिल्ला पुलिस पक्ष चारिथाकिया ब्यारिकेड कर राजधानी 15 अधिक मेट्रो स्टेशन को बंद कर जामिया मिलिया इस्लामिया और आलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र लालकिल्ला शहीद पार्क पर्यंत शोभायात्रा बाहरी तेज दिल्ली पुलिस पक्ष अनुमति न मिलवा सत्वे शताधिक छात्र छात्री रैली बाहरी सेपटे लालकिल्ला निकटे विक्षोभ पाई पहुंची केतक लोकों पुलिस अटक रखी वामपंथी दल दिल्ली मंडी हाउस विक्षोभ प्रदर्शन कर दलर तुंग नेता वृंदा करात समेत
ବହୁ ନେତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସବୁ ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଦିଲ୍ଲୀର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋବାଇଲ୍ ସେବା ସହ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସିଏଏ ବିକ୍ଷୋଭକୁ ନଜରରେ ରଖି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କିଛି ସ୍ଥାନରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। What you should understand, India is not yet a fascist state, it is democratic state. We have every right to protest, express our dissent, and we also know what is law and what is law and order. It is Modi who is breaking the law and order, he is breaking the democratic norms and conventions, and we should be allowed to express our dissent, our opposition. We don't agree with CIA and NRC. Whole country they have imposed section 144, the right to assemble and protest, fundamental right in the constitution is being deprived by the Modi government. इस संविधान के आधार पर हमें अधिकार है शांतिपूर्ण विरोध करने का। ये अमित शाह मोदी सरकार की तानाशाही वाली देश नहीं है। ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଧାରଣା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଗ୍ର ରୂପରେ ଉଛି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆଜି ବିହାରରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ବନ୍ଦକୁ କଂଗ୍ରେସ, ଆର୍ଏଲ୍ଏସ୍ପି, ଏଚ୍ଏଏମ୍ ଏବଂ ପପୁ ଯାଦବଙ୍କ ଜନ ଅଧିକାରୀ ଦଳ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ପାଟନା ସମେତ ଆରା, ଦରଭଙ୍ଗା, ହାଜିପୁର ଏବଂ ଖଗଡ଼ିଆରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହିଂସା ଘଟାଇଛନ୍ତି ବନ୍ଦ ସମର୍ଥକ। ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ରାସ୍ତାରୋକ, ରେଳରୋକ ସହ ଜଳାପୋଡ଼ା କରିଛନ୍ତି। ଖଗଡ଼ିଆ, ପାଟନା, ହାଜିପୁର ଏବଂ ଆରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ କେତେକ ଦୋକାନରେ ଲୁଟ୍ପାଟ୍ କରିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ରାସ୍ତାରୋକ ଫଳରେ ଯାତାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। रेल इसीलिए फोकस होता है कि केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है वो कंप्लीट रूप से कॉमन मैन के खिलाफ है, वो कंप्लीट रूप से हारमोन्स के खिलाफ है, वो कंप्लीट रूप से कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, वो कंप्लीट रूप से डेमोक्रेसी के खिलाफ है, वो कंप्लीट रूप से ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। भारत सरकार के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा जबरन इस बिहार पर NRC CA बिल जिस तरह से लागू किया जा रहा है, अपने लोगों को बेघर करेंगे आप। बिहार में जिस तरह से बेटियों के साथ लगातार जुल्म, बलात्कार, जला करके मार देना, आज पूरा बिहार एक सड़कों पर है। जब तक ये सरकार ये बिल वापस नहीं लेती है, बिहार में आंदोलन जारी रहेगी और बिहार लहकता रहेगा। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସିଏଏ ଏବଂ NRCକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ, କିନ୍ତୁ ନାଗରିକ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ କ'ଣ ତାହା ଅଜଣା। ଅଧିକାଂଶ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବି ଜଣାନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ବିହାରର ମୁଜଫରପୁରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କେତେକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସହ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରବୀଣ ଠାକୁର। एनआरसी और कैब को लेकर जो बंद है लेफ्ट का, वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है सड़कों पर, मुजफ्फरपुर की सड़कों पर। खासकर जो युवा है वो उनकी भागीदारी हो रही है। हम जानने की कोशिश करते हैं क्यों आए हैं सड़क पे, आप बताइए। हम आए हैं, देख रहे हैं आज बिहार बंद है, हम लोग बिहार बंद करना चाहते हैं, इसलिए कि NRC पर हम लोग रोक लगाए जो हमारे सरकार चालू की है। इस कारण हम लोग बिहार बंद कर रहे हैं। NRC हम लोग का भारतीय नागरिकता संशोधन है, उसी को हम लोग रोक लगाने आए हैं। क्या क्यों आए? जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या क्या है बताइए, क्या क्या है? NRC पर रोक लगाए, मोदी अपना फैसला वापस ले, हम लोग बंद कर रहे हैं। क्या है बिल में, क्या है कानून बना है बताइए? बिल में जाति धर्म के नाम पे जो है नागरिकता दी जा रही है, उसके विरोध में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप बताइए और क्यों विरोध कर रहे हैं? बिहार बंद है इसलिए कहा गया, हमारे जो मोदी सरकार है वो NRC मतलब ज्यादा वृद्धि कर ले, इसलिए बिहार बंद है। NRC तो बिहार में लागू नहीं हुआ है। नहीं लागू नहीं हुआ है, लेकिन पूरा इंडिया में लागू है ना। हिंदुस्तान अलग देश है क्या? बिहार अलग देश है, हिंदुस्तान में कहीं भी लागू हुआ है। लोग NRC का मतलब रोक लगाने के लिए आए हुए हैं, वही मेरा मांग है। और आज पूरा बिहार बंद है और बंद रहेगा।
नागरिकता संशोधन आईन को नहीं जोर धरी राजनीति सीएए को विभिन्न स्थान में जोरदार विरोध जारी रही बेले समर्थन में बाहरी लोके दिल्ली राजघाट में धारणा देखते सीएए समर्थनकारी शताधिक हिंदू शरणार्थी एकाठी हो आईन को समर्थन करने केन्द्र सरकार निष्पत्ति को स्वागत कर पर्यटकों पर खुशी खबर नुआ पैकेज घोषणा करिछि ओडिशा पर्यटन निगम छटी पांथ निवास रे वेडिंग पैकेज घोषणा करिछि ओटीडीसी पुरी कोणार्क चांदीपुर गोपालपुर रंभा और बड़कुल पांथ निवास रे वेडिंग पैकेज सुविधा मिलिबो विवाह सांस्कृतिक कार्यक्रम और भ्रमण सुविधा देव ओटीडीसी तीनिटी वेबसाइट जरिया बुक करिहेबो मेक माई ट्रिप गो आईबीबो एवं यात्रा ऑनलाइन सह ओटीडीसी चुक्ति स्वाक्षर करिछि सेपरि पश्चिम ओडिशा एवं चिलिका पर्यटकों पर ओटीडीसी स्वतंत्र घोषणा करिछि कलाहांडी और बलांगीर पर आरंभ हेबो दुईटी स्वतंत्र बस सेवा सेपरि चिलिकार हेबो भासमान भोजनालय एवं भासमान घर ओडिशार बहुत टूरिस्ट डेस्टिनेशन अच्छी जोटा कि प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण अच्छी ओटीडीसी बहुत एमती जगार पांथ निवास गुड़िक यूनिट गुड़िक रही जोटे कि लोक मैंने आसिकी प्राकृतिक सौंदर्य को उपभोग करती तेणुक आमको इमेल मध्यम किसी टूरीस्ट आमको सजेसन देते गोटे कम्प्लीट वेडिंग सल्यूशन डेस्टिनेसन वेडिंग सल्यूशन डेभलप कर ओटीडीसी तरफ से आज तार आरेंजमेंट कर चिलिका एवं गोटे जो आम दुईट यूनिट रही रंभा और बरपुर तो सेठार जमी हाउस बोट एवं फ्लोटिंग रेस्टोरेंट रो सुविधा पर्यटक मैंने मैंने बोथ डोमेस्टिक टूरिस्ट एवं फॉरेनर्स से मजा नहीं पारे से उपर आम गुरुत्व देचु जिते आम वेस्टर्न ओडिशा टूर पैकेज को अपरेट करूँ से पर्यटक मानक इंटरेस्ट को आखि आगे रखी तर सुविधा निम्ते कलाहांडी और बलांगीर पर दुईट टूरीस्ट बस व्यवस्था कर नयगढ़ जिले में धानमंडी खोलिबा आरंभरु ही समस्या शह शह धान बस्ता खोला आकाश तले पड़ रही सदर ब्लॉक डियापड़ा समवाय समिति धानमंडी बुधवार 24 जन चाषी को धान बिक्री करने टोकन दि जाता से 18 जन चाषी 515 बस्ता धान मंडी को आनी तेज धान ने मां लक्ष्मी मेल्स आसीन चाषी माने धान को जगी बसीता बेले जोगाण विभाग पक्ष कौन पदक्षेप निभोग नयगढ़ धानमंडी आरंभ अव्यवस्था आम अच्छु नयगढ़ डियापड़ा समवाय समितर धानमंडी आपड़ देखिपे गत काली मंडी में धान बस्ता बस्ता पड़ रही कारण कंटा रेडी थिला कर्मचारी मैंने रेडी थे कि मिलर मंडी को न आसपार धान उठी पार्ला नहीं फल डियापड़ा समवाय समितर 18 जन चाषी प्राय 518 बस्ता धान मंडी में पड़ रही जहाँफल चाषी मैंने गत काली राति सारा ए धान मंडी में जगि रही है धान बस्ता को एपटे मिलर देखा ना आज दिन 11 सुधा मिलर देखा ना फल चाषी मैंने चिंता रही कारण जो देखिपे आप कि भाव में धान मंडी में बस्ता बस्ता धान पड़ रही है चाषी मैंने रही कि मिलर देखा ना आप देखिपे पूरा यहीपड़ा मंडी में गत काली चाषी मानक कहला टोकन दि जाता से देखते आप देखिपुर किभली भाव में धान बस्ता अच्छी चाषी मैंने रही से धान बस्ता पड़े धान आम जी टोकन देखिए आम आनीचु धान का उठे कल उठे गाड़ी आसो आसो कह कह मिलन बाला आसलानी रात जाए रही जलखिया खाई नाग पड़ रही चुना धान उठे आज भी जाए धान उठे ना धान तो मिलर आसलानी आधान आम पड़ रही रात सारा कि देखा ना ये पर्यटन आ ना कल उठिलानि हाँ टोकन मिलर मिलर असुविधा कर गवर्नमेंट कौन कर प्रशासन कौन कर देखा कर नयगढ़ डियापड़ा धानमंडी में गत काली धान पड़ रही चाषी मैंने चिंतार धानमंडी माँ लक्ष्मी राइस इंडस्ट्री धान उठेबा दायित्व नहीं किंतु तहार देखा नई दिन है आम कह डियापड़ार पांच खंडर गाँवर चाषी मैंने धान मंडी में धान पड़ रही एपटे मिलर देखा ना गोटे पटे सरकार चाषी उन्नति कथा चिंता करुला बेले नयगढ़ धान मंडी नयगढ़ डियापड़ा धान मंडी में दुई दिन है धान पड़ रहा सरकार जो स्वच्छता प्रति प्रश्न उठाऊ नयगढ़ नवकिशोर मिश्र न्यूज 18 ओडिया।
हटिला विजु स्मृतिस्थल पूरी स्वर्गद्वार पूर्वतन मुख्यमंत्री विजु पट्टनायक स्मृतिस्थल को सेठे उच्छेद गतकाल रात जिलापाल और प्रशासन वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित उच्छेद कार्य स्वर्गद्वार उन्नतीकरण पर उच्छेद होता जिला प्रशासन पक्षर् पूर्व विजुबाबू स्मृतिस्थल को स्वर्गद्वार हटावाक मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक निर्देश देते स्वर्गद्वार विकास आगक आहरी अनेक पदक्षेप जबरदखल समस्त निर्माण को उच्छेद श्रीमंदिर चारिपाखर उच्छेद अभियान चलता बेले आरंभ हो सौंदर्यीकरण श्रीमसिंह द्वारा सम्मुखें लगाई अस्थायी गछ बड़ बड़ गछ को कुंडरे रख लगाई पुणी आउ किछि गछ को एमआर मठ पटे करा उच्छेद स्थल में पोता जाई काकुड़ीखाई मंदिर पर्यंत गछ लगाई अन्यपटे नुआकारी ब्यारिकेड चारिपटे गछ लगाई सेपटे मंगुमठ अंचल पट उच्छेद 10,000 वर्गफुट जगार रोलर चलाई समतुल कर सीमेंट टाइल बिछा जाउछि पुणी सानछता मठर उच्छेद अंचल को मध्य परिष्कार कर समतुल नुआवर्षरे पुरी रे लक्षाधिक श्रद्धालु समागम हेबो यहाँ को नजर रखी प्रशासन पक्षर सौंदर्यीकरण कर बढ़ला शीत कमिला पारद उपकूल ओडिशारे गतकाल रातिर शीत अनुभूत होइछि उत्तर दिगर पवन बहिबा आरंभ होइतिबारु धीरे धीरे आगक शीत बढ़िबो बोली पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना मिलिछि आगक आहुरी बढ़िबो शीत राज्यर विभिन्न स्थानरे 2 रु 3 दिन मध्यरे तापमात्रा 3-4 डिग्री ह्रास हेबार संभावना अछि सेपटे मंगलवार ठारु तापमात्रा सामान्य ह्रास पाइछि सबु फोरकास्ट स्टेशन रिपोर्ट अनुजाई सब स्थानरे 2-4 डिग्री तापमात्रा कमिछि आज भुवनेश्वर सर्वनिम्न तापमात्रा 16 डिग्री रही पूरी तापमात्रा 19 डिग्री रही जमापड़ आज भुवनेश्वर में आम यंत जहाँ आम देखु 17 डिग्री रु 16 डिग्री पखापाखि रमर टेम्परेचर आहरी कम जेहेतु आम बर्तमान विंड पैटर्न चेंज हो जा जोटा आम बर्तमान नर्थ नर्थ इस्टर्ली आमर कह उत्तर उत्तर पूर्व उत्तर दिगर पवन बह आरंभ कला तेणु ताद्वारा आम थाटा आहरी बढ़िवार संभावना रही उत्तरा पवन बहवा द्वारा आम थाटा आहरी बढ़िवार संभावना रही सुंदरगढ़ बढ़ी शीत किसी दिन है मेघुआ पग लगि रही शीत कमी किंतु गत दुई दिन हे आकाश मेघमुक्त होगा शीत बढ़िवार लगी पारद दिनक दिन खसुची संध्यापर उत्तर दिग्वर थंडा पवन बहवा खसी जापम्रा भोर बेलू सर्वाधिक थंडा अनुभूत होका सका चा दोकान भिड़ लगुच पड़िया व्यायाम सह लोके मर्णिंग वाक कर देखा मिली केन्दुझर जिले में बढ़ला शीत जिलार खणी अंचल जोड़ा और बड़बिल तापमात्रा गत किछि 10 डिग्री पखापाखि अच्छी एथस चंपुआ केन्दुझर सहर आखपाखे तापमात्रा 10 डिग्री रही गत किछि दिन हेबो जिलार विभिन्न अंचल में घन कुहुड़ी देखा मिलता फल सका समय जानवाहन चलाचल बाधाप्राप्त होता एथस जिलार किछि स्थान में अल्प परिमाण वर्षा होगा पाग मेघुआ रही वर्षा छाड़ा पर जिले तापमात्रा ह्रास घटी एबे धान कटा होई मला सरला आदाय धान एबे जमीरे हेले सेई धान उपरे हाथी और बारहां आखि रातिर अंधारे पलपल हाथी आसी खाई वर्ष जाकर अमल हेले सेई हाथी पाटी निज धान को सुरक्षित रखापी लोके रातिर अंधार लड़े करती कि रातिर अंधारे मनीष हाथी मध्य लड़े चले तार स्थित परखापी आम टीम पहुंची गंजाम जिलार तारासिंघी बनांचल देखा न्यूज एट नोडिया एक्सक्लूसिव रिपोर्ट रातिर किटमेट अंधार चारिआड़े केवल अंधार ही अंधार से ही अंधार रे आम न्यूज 18 ओडिया टीम पहुंची गंजाम जिला तारासिंघी बनांचल किसी गाँव में एसबु गाँव में हाथी आतंक हाथी भयर लोकों घर ताटी कबाट पड़ जाऊ आम क्यमेरा टीम पहुंची बुढ़ापदर कलिंगपदर कईफुलिया गाँव में गाँ मुहर शुणा को मिलता लोकों हो हो शब्द हाथ में मिंजिमिंजि जलुवा लंठन सांग को मुंडरे लाइट और हाथ में ठेंगा कुराढ़ी धरी हाथी को घोड़ाइवा को बाहरी माने शीत राति कि अमल धान को हाथी पाखर सुरक्षित रखे से चली संघर्ष
ବସ୍ତିର ସବୁ ଧାନ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ବାରହା ହାତୀ ଏବେ ସେ ହାତୀ ବାହାରିଛନ୍ତି ସେଠୁ ଏବେ ହୋଲି କରି ସେ ତଡ଼ି ଯାଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲଗେଇକିରି ଆଉ ଏମିତି ପାଟି ଗଲେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ବାଉଡ଼ିକିରି ପଳଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ନଥିଲେ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ତ ପ୍ରବଳ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଥିଲେ ହେଲେ ମାନୁନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ପଇସା ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ଧାର ତ ଅନ୍ଧାର ଆଉ ଅନ୍ଧାର ଯୋଉଗୁଡା ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ସବୁ ଲୋକ ଗାଁ ସାରା ମାରି ମରି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ହାତି ଏଇ ଗାଁ ସାରା ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲା ଛୁଆ ଧରି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଆଁଳା ଧରି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ସଞ୍ଜ ହେଉ ହେଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ କିଏ ବିଲ ଉପରେ ମଞ୍ଚା କରି ଜଗୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ନିଆଁ ଜଳାଇ ରାତି ସାରା ଧାନକୁ ଜଗୁଛି କାରଣ ଏମାନଙ୍କୁ ହାତୀ ଆଉ ବାରାର ଭୟ ଏମାନଙ୍କ କବଳରୁ ନିଜ ବର୍ଷଯାକର ଅର୍ଜିତ ଫସଲ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲେ ଏମିତି ସଂଘର୍ଷ ଏସବୁ ନିତିଦିନିଆ ଘଟଣା ହୋଇଯାଇଛି ହାତୀ ଆତଙ୍କିତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ହାତୀ ଫସଲ ଖାଉଥିବା କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଘୁମୁସର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ତେବେ ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ସାଙ୍ଗକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣିକି ସବୁ ତାପରେ ସବୁ ଲୋକ ଆସିବେ ଆସିଲା ପରେ ସବୁ ପାଟି କରିକି ଘୋଡ଼ା ହେଉଛି ପୁଣି ଯିବେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆସିକି ଚୁପଚାପ ରହିଗଲେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପଶି ଆସିବେ ରାତି ସାରା ପୁରା ଅନିଦ୍ରା ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଠି ବାଡ଼ି ତଳେ ରହିକି ନିଆଁ ଫିଆଁ ଲଗେଇ ସବୁ ଜଗି ଥାଉଛୁ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଆମର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେମିତି କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ସଦାସର୍ବଦା ତତ୍ପର ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଫିଲ୍ଡରେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଦେବା କଥା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଦେଉ ଧାନ ଫସଲକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ ବଣଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାରେ ଏମିତି ଦୈନିକ ଚାଲୁଛି ହାତୀ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ ଗଞ୍ଜାମ ତାରାସିଙ୍ଗିରୁ ଅଜିତ ଦାସ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।